दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद हो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, मौत भी नहीं। दरअसल इतिहास में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें जिंदा बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक हादसा 1972 में एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था, जिसमें जिंदा बचे लोगों को उन बर्फीले पहाड़ों में बिना भोजन के 72 दिनों तक रहना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ा था। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने साथियों की लाशों को भी खाना पड़ा था। इतिहास में ये दुर्घटना एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार यूरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी यूनियन टीम के उन दो खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने एक सच्चे खिलाड़ी की तरह आखिर तक हार ना मानने वाले जज्बे को दिखाते हुए ना सिर्फ खुद मौत को मात दी बल्कि 14 लोगों की भी जिंदगी बचा ली। ये दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था और उसका शिकार यूरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम हुई थी। यह टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। यूरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ उनके परिवार और मित्रों को लेकर एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को खतरा नजर आने लगा। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट अपनी पोजीशन मिसजज कर गया और अगले ही पल उनका जहाज एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। जो जहाज कुछ देर पहले हवा से बातें कर रहा था, दूसरे ही पल वह टकरा कर जलता हुआ एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की कुल्फी जमा देने वाली बर्फ के बीच उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर साबित हुई। खाने को कुछ भी नहीं और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हादसे की जानकारी मिलते ही यूरुग्वे की सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण और बर्फ से ढके सफेद एंडीज पहाड़ी पर उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि सबका ये मानना था कि एंडीज के ठंडे मौसम में बिना खाए पिए किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रह पाना संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायल लोग और मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि वह ज्यादा दिन तक चल सकें। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो कि धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके, फिर उस पर बर्फ रख कर उसे पिघला कर पानी इकट्ठा करने लगे। ऐसा करने पर उनकी पानी की समस्या पूरी तरह हल हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका खाना भी समाप्त हो गया। जब अंत में कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने मजबूरन अपने ही साथियों की लाशों के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक ही झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। केवल 16 लोग ही अब जीवित बचे थे। हादसे के 60 दिन बीत चुके थे। जब मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो उन बदनसीबों में शामिल दो खिलाड़ी नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने सोचा कि यहाँ पर पड़े पड़े मरने से अच्छा है मौत की तलाश में निकला जाए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम था। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के अंदर आखिर तक हार ना मानने का जज्बा होता है। यही जज्बा दोनों खिलाड़ियों के काम आया और उन्होंने मदद की खोज के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। पेरेडो और कैनेसा ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रैकिंग की,
और आखिर तक हार ना मानने का एक खिलाड़ी वाला जज्बा दोनों के काम आया और आखिरकार दोनों ने एंडीज पर्वत को हराते हुए चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां पर दोनों ने बचाव दल को अपने साथियों की लोकेशन बताई। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों ने तो जिंदगी की जंग जीत ही ली, लेकिन साथ ही साथ ये लोग अपने ही साथियों के लिए भी हीरो साबित हुए। इस पूरे हादसे में हीरो बनकर सामने आए रॉबर्ट केनेसा उस समय रग्बी खिलाड़ी के साथ मेडिकल स्टूडेंट भी थे। अब यही खिलाड़ी जिंदगी की जंग जीतकर एक मशहूर डॉक्टर बन चुके हैं। वहीं इस हादसे में अपनी माँ और बहन को खोकर 16 लोगों की जान बचाने वाले नैंडो पेरेडो अब यूरुग्वे के टीवी के मशहूर हस्ती बन चुके हैं। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बच पाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयानक घटना पर 1974 में अलाइव नामक किताब भी लिखी गई थी, जिस पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने एक फिल्म भी बनाई थी। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।